रबी अव्वल का महीना आता है, हम सबके दिल दिमाग के दिमाग में एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल जरूर आता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अब मैंने करना क्या है। हम करते वो हैं जो जमाना कर रहा है, करते वो हैं जो दुनिया कर रही है। हम ये नहीं देखते कि अब मेरे आका की क्या मंशा है, अब मेरे आका की किसमें खुशी है, मेरे आका को किससे खुशी होगी। 12 महीने 11 महीने हुजूर की रूह को सताया, हुजूर की रूह को अजियतें दी। मेरे दोस्तों, कम से कम उस महीने में तो अजियतें मौकूफ हो जानी चाहिए थी, उस महीने में तकलीफें मौकूफ हो जानी चाहिए थी, उस महीने में तो आपकी रूह अनवर को सताना मौकूफ हो जाना चाहिए था, जिस महीने में हमारे आका का जुहूर हुआ, हमारे आका की बेसत हुई, हमारे आका की विलादत हुई, जिस महीने में अल्लाह ताला ने इस दुनिया को ये शर्फ बख्शा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अनमोल जाते गिरामी को इस दुनिया में भेजा। रमजान के महीने में कोई सरे आम खा रहा हो तो हर मुसलमान कहता है, यार रमजान है, कुछ तो ख्याल करो भाई, रमजान है, कुछ तो ख्याल करो यार। लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में कोई दाढ़ी मुंडा रहा हो तो कोई नहीं कहता, अबे रबीउल अव्वल का महीना है, कुछ तो ख्याल करो। रबीउल अव्वल के महीने में हमारी बच्चियां बेपर्द होकर बाजारों में निकले, कोई मां, कोई बाप, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर ये नहीं कहता, बेटी रबीउल अव्वल का महीना है, ये तो वो महीना है जिसमें हमारे आका हया को लेकर आए, पर्दे को लेकर आए, अहकाम को लेकर आए, शर्म को लेकर आए, हिजाब को लेकर आए। कम से कम इस महीने में तो बेपर्दगी से बचो।